ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार, हरि हर। प्रणाम है शंकर वैद्य। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9325061460। आज मैं बताऊंगा आपको आँखों की समस्याओं के लिए। जी, आँखों में जो अलग अलग प्रकार की समस्या होती है या अभी आ रही है, तो उन समस्याओं को घरगुती उपचार में कैसे ठीक करें, तो उसका ये आपको जो सामने जो दिख रहा है, ये ज्वारी है, गेहूं नहीं है, ये है ज्वारी। हमारे महाराष्ट्र में इसको ज्वारी बोलते हैं। तो इसके तत्व होते हैं गरम, तो आपको ज्वारी का उपयोग करना है। और उसका ये आटा है, ये पिसा हुआ आटा है। और ये है मूत्र, इंसान का मूत्र है ये, तो ये सब की आवश्यकता पड़ेगी। इसका उपयोग कैसे करना है और क्या क्या समस्या के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं आँखों की, ये आपको इसमें अभी पता चलेगा। अभी जैसे कि आपको एक फिलहाल समस्या दिख रही है, वो है आँखें लाल होना वगैरह, तो उसके लिए जो घरगुती, तो जैसे कि आँखों की अन्य जो समस्या होती है, जैसे कोई कचरा अगर आँखों में चला जाए या फिर कोई चटका आँखों पे लग जाए, कोई किसी खाद लग जाए, आँखें अगर लाल हो जाए, या फिर कोई फटाके या फिर फटाका फोड़ते हैं अपन, तो उसके अंदर का गुल अगर आँखों में उड़ जाता है, तो वैसी जो समस्या रहती है, तो तुरंत में हमें क्या उपचार करना चाहिए, उसके लिए ये मैं आपको जो बताऊँगा उपयोग फार्मूला जो बताऊँगा, ये उन समस्याओं के लिए काम में आएगा। तो ये पानी, तो आपको इंसान का मूत्र लेना है, वैसे ये पी वाला पानी है, लेकिन आपको जो बता रहा हूँ, आपको लेना है ताज़ा मूत्र। मतलब जब आपको इसका उपयोग करना है तब ताज़ा मूत्र ही चाहिए। ये जो है ये ज्वार का आटा, ये ज्वारी है, इसको बोलते हैं ज्वारी। ये देखिए, गेहूँ के तत्व ठंडे होते हैं, ज्वारी के गर्म, तो आपको ज्वारी ही लेना है और उसका ये आटा पीस के लाना है। तो आपको ज्वारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका आटा ही लगता है। तो फिर क्या करना है आपको, ये जो मूत्र है, मूत्र को ये आटे में भिगोना है, और भिगोने के बाद तो ये जो है, तो इसका उपयोग आपको करना है आँखों को अगर चोट लग जाए, फटाका फोड़ने से जो गुल उड़ता है आँखों में, तो उससे जलन होती है आँखों में, फवारनी करते वक्त कुछ दवा उड़ जाए आँखों में, और समझ लो आप रात को 12 बजे कुछ लग जाता है, तो उस समय आप डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, लेकिन घरगुती जो फार्मूला होता है वो आप उपयोग में ला सकते हैं। ये मूत्र है इंसान का, गर्भवती स्त्री का इसका उपयोग ना करें, बच्चों का भी इसका उपयोग ना करें, ये पुरुषों का अगर मिलता है या फिर तो जो यंग होते हैं उनके इसका उपयोग करें। और ये ताज़ा ही होना, तुरंत अगर लगाना है तो तुरंत ताज़ा मूत्र लीजिए और उसको भिगो के इसको ऐसा बनाइए, और इसको ऐसा करने के बाद जब आप सोते हैं तब इसको आँखों पे रख देना है, ऊपर से कपड़ा बांध देना है आँखों पे, अच्छे से इसके ऐसा करके उसको आँखों पे रख देना है और ऊपर से कपड़ा बांध के सो जाना है। जब आप देखेंगे रात सुबह उठेंगे तो आँखों में गया हुआ कचरा कंकड़, आँखों पे अगर आँखें अगर लाल है, अभी कोई भी ऐसा अभी एक मौसम चल रहा है कि आँखें लाल हो रही है लोगों की, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। तो इसको आँखों पर रखने से बहुत ही बढ़िया फायदा होता है। कोई कोई समस्या तो पूरी तरह इसी से ठीक हो जाती है। 4-5 दिन आपको इसको कंटिन्यू करना है, पहले दिन में आपको असर दिखेगा। आप ज्वार का आटा या फिर बाजरे का आटा ले सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा ना ले, इसी से बहुत बढ़िया ज़बरदस्त फायदा हो जाता है। तो ठीक है, प्रणाम है शंकर वैद्य। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9325061460। आप हो सके तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि शेयर करने से आपके माध्यम से ये जानकारी पहुंच जाती है और किसी का भला हो जाता है। ये घरगुती उपचार है, पुरातन तरीका, बहुत से गांव के लोगों को इसके बारे में जानकारी होंगी है भी,
वो ही बता सकते हैं कि वो जिन्होंने यूज किया है उनको भी बताऊंगा इसके बारे में, गांव के लोगों का वैसे पुराने जो लोग हैं उनको भी पता रहता है इस बारे में। तो ये फार्मूला बहुत ही अच्छा रहता है, कभी यूज कर सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, होना होना है तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, जय भोले, हर महादेव।